पीसीच के वर्गीकरण में जो कि हमारा पाइपिस क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके तहत हमें पीसीच के वर्गीकरण के बारे में देखना है। हमारा जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है जीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, बर्ग नाम के वैज्ञानिक था और बर्ग ने 1940 में एक क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया जिसके बारे में हमें देखना है। बर्ग वैज्ञानिक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग वर्गीकरण को प्रस्तुत किया, जैसे बर्ग आए, उसके बाद रोमर आए, पार्कर एंड हेजवर्ड आए, इस प्रकार से। पर हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर बर्ग के वर्गीकरण को हमें पढ़ना है। तो बर्ग ने सबसे पहले इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने से पहले उसकी कुछ वर्गो में उसे विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला जो वर्ग है वो है टेरिथ्रीन। ये पृथ्वी पर आने वाली पहली वो मछलियां थी जो कि इस जल या समुद्री जल में इनकी उत्पत्ति मानी गई। तो वर्ग ने इसे 7 वर्गों में विभाजित किया। दूसरी है कॉपास्टी, थर्ड है एटेंथोडी। जब हम इन तीनों के बारे में बात करें तो ये हमारी एक्सटिंक्ट जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। एटेंथोडी का दूसरा नाम हमारे पास प्लेकोडर्मी भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है प्लेक लाइक प्लेकोडर्मी, डर्म का मतलब त्वचा से है। तो कैसी त्वचा हो, जिनके ऊपर जिसका आवरण त्वचा का कैसा हो, प्लेट लाइक। तो इसमें आने वाली जितने भी प्रकार के जीव थे वो सारे विलुप्त हो चुके हैं, जिसका हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस प्लेकोडर्मी या एकेंथोडी का सदस्य था, जिसका जो की बात करें तो पहला वास्तविक जबड़े इनमें विकसित हुए होंगे। ठीक है, तो देखने पर हमें किस प्रकार की फिश दिखाई देती है। क्लाइमेटियस है जिसका अपर लिप एंड लोअर लिप दोनों ही मूवेबल थे, इनके जो जबड़े थे जो दोनों ही अलग थे। ठीक है, तो ये पहली आने वाली थी एकेंथोडी, ये तीनों ही विलुप्त हो चुके हैं। अब बात हम करते हैं हमारी जो कि लिविंग है। इस वर्ग में इलाकोबैंडियाई, हॉलोसिफेलाइन, डिप्नोइ और टेलियोस्टोमाइन, ये 4 जो क्लासेस हैं जो कि हाल फिलहाल में जीवित हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इलेमोबैंकियाई है, हॉलोसिफेलाइन है, डिप्नोइ है और टेलियोस्टोमाइन है। तो हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर जो बर्ग ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उनमें फ्रेश वाटर फिशेज को और मैराइन वाटर फिशेज को अलग अलग भागों में बांटा है। उसी के साथ हम देखें तो हम इलाकोबैंकियाई और हॉलोसिफेलाई
का दूसरा नाम जो रोमन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग था, जिसने इसको कॉन्डिक्लिस नाम दिया। बेसिकली आप बुक्स में देखेंगे तो सारी बुक्स अपना अलग अलग वर्गीकरण को मान्य देती है, तो हमने सभी वर्गीकरण को एक साथ मिलाते हुए एक रूपरेखा तैयार की है, जिसमें रोमर के अनुसार क्वांटिक्लिस की दो सब क्लासेस डिवाइडेड कर रखी है। तो इलास्मोब्रैंकियाई और होलोसिफेलाई को सम्मिलित रूप से हम क्वांटिक्लिस के नाम से भी जाना जाता है। क्वांटिक्लिस के बारे में पहले हम चर्चा करें, क्वांटिक्लिस क्या? तो क्वांटिक्लिस नाम से ही स्पष्ट है, कॉन्डिक का मतलब होता है कार्टिलेज मतलब, और इक्थिस का मतलब है हमारे पास फिशेज, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं कि स्टडी ऑफ फिश इक्थियोलॉजी, तो यहां पर हम देख रहे हैं इस चीज को, ये इक्थियोस जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये एज ए ग्रीक वर्ड है आपका, जिसमें कॉन्डिक का मतलब जो आपका है वो होता है कार्टिलेज और इक्थिस का मतलब होता है फिश। उपास्थिल मछलियां हैं, और उपास्थिल मछलियां कहां पर पाई जाती है? तो उपास्थिल मछलियां हैं मैराइन वाटर, सी वाटर या समुद्र में पाई जाती है। तो उसके कुछ हम बेसिक कैरेक्टर्स को पहले देखें कि कॉन्डिक्लिस के क्या बेसिक कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कॉन्डिक्लिस जो है वो आकार या बॉडी शेप में चपटी व नौकाकार रूप में पाई जाती है। यहाँ पर रहने वाली मछलियों का आकार एक नाव के समान तिरछा होता है, जिसके कारण पानी में उन्हें गति में सहायता प्राप्त होती है, साथ ही उनकी गति को तेज करने के लिए यहाँ पर जो उनकी पूंछ है या टेल है वो इस प्रकार से होती है, मतलब इस प्रकार की पूंछ का पाया जाना हेटरोसल प्रकार की पूंछ का पाया जाना, जिसके कारण समुद्र की मछलियां अपनी गति का अधिक गुना से गति प्रवर्तन करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि रेस्पिरेशन के लिए इन पर क्या होता है? तो रेस्पिरेशन के लिए वही गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, पर यहां पर जो की पॉइंट है, यहां पर जो गिल के लिए या जो गिल की संख्या है, यहां पर नंबर ऑफ गिल्स है वो 5 to 7 होते हैं। आगे और बात करें हम इनका जो शरीर देखें तो इस प्रकार से चपटा होता है, जिसके कारण जितने भी प्रकार की मछलियां हैं वो आकार में इस प्रकार से दिखाई देगी, और इनके जो गिल्स हैं नेत्र के पीछे की ओर विकसित होते हैं। ठीक है, ये संख्या में 5 से 7 हो सकते हैं, साथ ही इसमें आने वाली जो मछलियां हैं वो विविपैरस भी हो सकती है या ओविविपैरस भी हो सकती है, जरायुज भी है अंडे जरायुज भी है। यह समुद्र के किनारे के आसपास रहती है तथा उथले पानी में या समुद्र की तली में पाई जाती है, जो समुद्र का बॉटम इनकम होता है वहां पर, क्योंकि आकार चपटा होने के कारण इसमें जो इन्वायरमेंट के प्रति जो अनुकूलन बनाए हैं वो नीचे रहने के लिए बनाए हैं। तो इसमें जो इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे उसको सबसे पहले हमने कॉन्डिक्लिस के लिए हमने देखा है। तो ये कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर हैं। इससे पहले हमने कुछ एकेंथोडी के बारे में एक बार चर्चा की थी, एकेंथोडी आफ्टर वर्ग के अनुसार था, जिसको हमने दूसरा नाम प्लेकोडर्मी के रूप में भी देखा है। इसको देखने के लिए हम हमारी जो स्लाइड पीपीटी की जो स्लाइड है उस पर एक बार नजर घुमाएंगे। वर्ग प्लेकोडर्मी जो कि पूरी तरह से एक्सटिंक्ट है, इसमें सबसे पहले जॉलेस वर्टिब्रेट्स आए हैं और इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो 45 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है, और ये मिड सिलूरियन से
उत्पन्न इसकी ऑरिजिन मानी गई है। अब ऑस्टियोडर्म जो कि विलुप्त हो चुका है, ये फ्रेश वॉटर था, ठीक है। इसके ऊपर जो प्लेकोडर्म की जो स्केल पाई गई है, साथ ही इसमें आप देख रहे हैं जो इसके पेक्टोरल फिन है वो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें जो वास्तविक जो दाग पाए, मतलब जबड़े से अटैचमेंट था टीथ का, वो पूरी तरह से था। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर है। और इसका लास्ट जो टाइम पीरियड माना है वो परमियन पीरियड तक ये जीवित होंगे ऐसा माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बात की थी, हमारा क्लास जो क्वांटिक थीव है उसके बारे में चर्चा की थी। क्वांटिक थीव में आने वाली जितने भी फिशेज है वो कार्टिलेजिनस फिशेज होगी, और इसमें शार्क, रेड, काइमेरा ये सारे ही सम्मिलित हैं। इसके अलावा हम क्वांटिक थीव को समझे तो इसको दो सब क्लास में डिवाइडेड कर रखा है, सिलेकियाई और होलोसिपेलाई। अब देखिए आप, सिलेकियाई और होलोसिपेलाई जो हमारी सब क्लासेस है, उप वर्ग है, तो सिलेकियाई में दो ऑर्डर है और होलोसिपेलाई में कोई ऑर्डर डिवाइडेड नहीं हुआ। हम आगे देखेंगे कि सारी रूपरेखा से क्या हमें सीखने को मिला। तो इससे हमको फाइलोजेनी मिलेगी, जब हम पूरा इसे कंप्लीट करेंगे तो फाइलोजेनी में उभयचर से कैसे सम्मिलित हुए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सिलेकियाई के लिए हम जो बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें गियर्स, नंबर ऑफ गियर्स की बात करें, सबसे आईएमपी है 5 to 7, और साथ में हम बात करें इसमें जो डॉर्सल फिन होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं। सबसे आईएमपी कैरेक्टर्स है, अधिकतर फिशेज में डॉर्सल फिन 1 होता है, और इस जो सब क्लास कहते हैं इसके अंदर 2 डॉर्सल फिन होते हैं, जैसा कि अभी हम एक आगे डायग्राम में आपको बताएंगे। इसके 2 ऑर्डर है, प्लूरोट्रिमेटा और हाइपोट्रिमेटा। प्लूरोट्रिमेटा में आने वाली जितनी भी प्रकार की फिशेज है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। आप देख सकते हैं हमने कोई एक एग्जांपल लिया है प्लूरोट्रिमेटा का, जिसमें इसका स्नाउट आगे से एकदम नुकीला होता है तथा कुछ हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है, और हमने बात की थी कि इसमें आने वाले जो डॉर्सल फिन हैं वो 2 होते हैं, ये फर्स्ट डॉर्सल फिन है और ये पीछे वाला सेकेंड डॉर्सल फिन है। पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ठीक है। तो इस प्रकार का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो प्लूरो और ट्रिमेटा की सदस्य के अंदर देखा जा सकता है। जबकि हम बात करें हाइपोट्रिमेटा, हाइपोट्रिमेटा के अंदर इस प्रकार की बेसिक जो कि तितली के समान इस प्रकार की मछलियां यहां हमको देखने को मिलती है। सारे फिशेज को हम रे फिशेज कहते हैं। ये रे फिशेज में इनका जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, पूरी बॉडी चपटी होती है, ये बॉटम फीडर एनिमल्स हैं, और साथ ही इसमें जो इसका पेक्टोरल फिन है, पेक्टोरल फिन पेल्विक फिन से आकार में बड़ा होता है। सबसे बड़ा पेक्टोरल फिन हम जब देखते हैं सारी मछलियों की बात करेंगे तो सबसे बड़े जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो हाइपोट्रिमेटा के अंतर्गत आने वाली फिशेज में पाए जाते हैं।
तो ये रे फिशेज आएंगी, ऑर्डर आपके हाइपोटेमेटेटा में है, और प्यूरोटेमेटम में आपकी शार्क्स जितने भी प्रकार के शार्क है, जैसे स्पिना है, उसके बाद आपकी व्हाइट शार्क है, ये सारी शार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी सब क्लास कॉन्डेक्टिव की, दो हमने बात रखा था, पहली सब क्लास जो हमारी थी वो थी सिलेकियाई, और सेकंड बात कर रहे हैं होमोसिफेलाई। होमोसिफेलाई के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे कुछ करेक्टर इसमें आए होंगे, जैसे कि हम बात करें कि हमारी एक फिश है जिसका नाम है काइमेरा, जिसको रेड फिश के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे वो किस प्रकार से दिखाई देती है, इनमें इसको इसलिए यहां पर सम्मिलित किया, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये सब क्लास से ही सीमित है, क्योंकि इसकी कुछ करेक्टर्स और इनकी कुछ करेक्टर्स इसके अंतर्गत आए, तो ऐसा माना जाया होगा कि पहले ये आई और उसके बाद ये आई, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी मानने के लिए हम बात कर सकते हैं कि कॉन्डक्टिव और ऑस्टिटिव के बीच की कनेक्टिविटी कौन है, तो ये है आपकी काइमेरा, जो किससे रिलेटेड है, होलोसिफेलाई सब क्लास से रिलेटेड है। अब ऐसा इसमें क्या है, तो हम बात करें कि इसके जो फिन्स है वो इनके समान दर्शाते हैं, जबकि इनकी सबसे आईओपी जो करेक्टर है वो आपका है इस पर ऑपरकुलम का पाया जाना, ऑपरकुलम ओनली फॉर फ्रेश वाटर की फिशेज या कॉन्डिक्थीन की मछलियों में पाया जाता है, जबकि ऑस्टिथीन की मछलियों में पाया जाता है, ऑस्टिथीन की मछलियों में ऑपरकुलम पाया जाता है, जबकि कॉन्डिक्थीन की फिशेज पर ऑपरकुलम पूरी तरह से एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये यहां पर इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक जो है वो आपकी काइमेरा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात कर रहे हैं हम ऑस्टिथीन। ऑस्टिथीन जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसको सम्मिलित रूप से हम यहां पर बात कर सकते हैं टिलियोस्ट स्टोमाई या टिलियोस्ट फिशेज के नाम से भी इसको जाना गया है। आप पूछेंगे कि यहां पर इन सारी चीजों को क्यों लाया गया है, क्योंकि आप जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो बर्ग का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर बर्ग ने 7 क्लास में इसको डिवाइडेड किया था, और हमें कहां तक पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर तक चलना है, इसलिए हमें इन सारी चीजों को देखना है। आप सोचेंगे सर आपने ये नहीं बताया, बिल्कुल आगे देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिक इसे एक अलग वर्ग मान रखा है और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक ऑर्डर के तहत डाल रखा है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए ऑस्टिथीज के बारे में हम देखें, तो ऑस्टिथीज जो आपकी क्लास है उसमें जितने भी फिशेज है वो सारी बॉनी फिशेज के नाम से सम्मिलित की गई है, ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों ही मछलियां हैं, यहाँ पर मछलियां आती है, इसमें कम से कम 31,000 स्पीसीज से अधिक जातियां सम्मिलित की गई है, जिसमें कार्प, पर्च, बांस, ट्राउट, उसके बाद आपकी मीन है, कैट फिशेज है, कैट फिशेज के बाद आपकी सकर फिशेज है जो कि फ्रेश वाटर है, और कुछ आपकी मैराइन वाटर फिशेज है, जैसे आपने पहले देख चुके हैं मैकरेल के बारे में, उसके बाद ट्यूना के बारे में, ठीक है ना, सैलाइन फिश है, बरकुंडा है, फ्लाइंग फिश है, एक्सोसिटस जिसका बोलते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑस्टिथीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम हमारे जाप पर आए, इसकी सब क्लासेस के बारे में देखें तो ऑस्टिथीन की भी दो सब क्लासेस है, पहली हमारी जो है वो है आपकी सार्कोप्टेरिजाई और दूसरी है आपकी एक्टिनोप्टेरिजाई। सबसे पहले सार्कोप्टेरिजाई के बारे में हम चर्चा करें, तो सार्कोप्टेरिजाई में आने वाले तो इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टर है ऑस्टिथीन। अब यहाँ पर भी हम चर्चा करें कि इस वर्ड में ऑस्टिथीन का मतलब और एक्टिन का मतलब क्या होता है, तो इसका
बॉन और फिश तो कौन सी अस्थि तो इसको हम ऑस्टियोसिस का दूसरा नाम इलियोस्ट फिशेस या बॉडी फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी फिशेस में क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है अंत कंकाल जो है वो इनका किसका बना होता है बोन्स का बना होता है और जो इनका बाह्य कंकाल है वो स्केल्स का बना होता है। ठीक है अभी हम इनमें कंपेरेटिव करेंगे पर एक बार आप ये देखिए कि सार्कोप्टेरिजा जो है हमारे पास उसमें दो ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं एक है क्राइसोप्टेरिजा और दूसरा है डिप्लोन। क्राइसोप्टेरिजा की हम बात करें तो ये एक लिविंग फॉसिल है इसका एक ही लिविंग फॉसिल हमारे पास जिंदा है जिसका नाम है लेटाबेरिया। लेटाबेरिया एक ऐसी फिश है जो दिखने में इस प्रकार की दिखाई देती है प्रकार की फिश है जिसको क्राइसोप्टेरिजा का एक ही एग्जाम्पल है जो कि हमारे यहाँ पर लिविंग फॉसिल्स के रूप में अभी जिंदा है हाल फिलहाल जिसका नाम है लेटाबेरिया। लेटाबेरिया में हम देखें तो इसके जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन है ये दोनों ही पेक्टोरल पैन श्रोणी मेखला से रिलेटेड और अंश मेखला से रिलेटेड है और श्रोणी और अंश मेखला के जो फिन है या पंख है ये दोनों साइड में बराबर होते हैं। इसका जो कॉडल फिन होता है वो आकार में छोटा होता है ठीक है और साइज में पूंछ और मुख दोनों एक समान दिखाई देते हैं। इसमें कुछ हम देखें तो हम इसमें देखें वायु अवकाश या एयर ब्लैडर की उपस्थिति मानी गई है। वायु अवकाश और एयर ब्लैडर क्या होते हैं पांच रेस्पिरेशन के लिए गिल के अलावा ऐसे अंग जो श्वसन या हवा को किसी रूप में स्टोरेज कर सके जिससे कि वो क्या कर सके बाद में जब पानी की कमी हो तो उसके माध्यम से वो अपना रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न कर सके। तो मछलियों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है एयर ब्लैडर जो कि गिल के बाद होती है। गिल भी पाए जाते हैं और उसी के साथ कम पानी में रहने वाली मछलियों में ये एक अंग विकसित हुआ जिसे हम एयर ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे हम डिप्लोइड की। डिप्लोई को हम अंतिम में देखेंगे ऐसा क्यों किया क्योंकि इसके कुछ करेक्टर आपके एम्फीबिया जो उभयचर हैं उनके वर्गीकरण से सम्मिलित है। ठीक है बात करते हैं आपकी एक्टिनोप्टेरिजा की। एक्टिनोप्टेरिजा के अंतर्गत देखें तो इसको तीन ऑर्डर में हमने बांट रखा है कॉन्ड्रोस्टियाई। कॉन्ड्रोस्टियाई में हम देखें कि इसमें आने वाली जो फिशेज है उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं तो इनमें सबसे बेसिक कैरेक्टर्स हैं दिखने में तो ये कैसे दिखती है मेलाकोटर की फिशेज जैसी मतलब आप इसे देखेंगे तो लगेगा कि ये कौन सी है समुद्र की मछली है और किससे बिलोंग करती है कॉन्ड्रोस्टियाई पर ऐसा नहीं है। देखिए
कॉन्ड्रोस्टियाई की जो फिशेज है आकार में इस प्रकार से होती है, जिसका माउथ आकार में चौड़ा होता है। अब इसकी कुछ बेसिक करेक्टर इनसे मिलते जुलते हैं जो कि है वो हेट्रोसर्कल प्रकार की केल का पाया जाता है। ठीक है, एपिकेंसर इसका नाम है और इसके पूरे शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम होलोस्टियाई। होलोस्टियाई के अंतर्गत आने वाली जितनी भी फिशेज है कुछ बेसिक करेक्टर्स है। अब इन पर स्केल्स की भी बात करें तो इनमें जो स्केल्स है वो पाए जाते हैं गैनोइड प्रकार के, जबकि यहाँ पर होलोस्टियाई की हम बात करें तो साइक्लोइड और गैनोइड दोनों प्रकार की जो डर्मल स्केल्स है वो पाए जाते हैं। और इसका जो बेसिक करेक्टर है इन मछलियों का वो है आपका माउथ छोटा होना। इनके जो है वो माउथ छोटे होते हैं। ठीक है, इन मछलियों में जो है माउथ छोटे हैं और जो टेल का टाइप है वो होमो सर्कल भी हो सकता है और हेट्रो सर्कल भी हो सकता है। अंतिम जो है हमारी टिलियोस्टियाई। टिलियोस्टियाई जो फिशेज हैं, टिलियोस्टियाई फिशेज के नाम से भी जान जाते हैं। जितने भी प्रकार की मछलियां हैं वो सारे किसके अंतर्गत आती है, टिलियोस्टियाई। इसलिए फिशेज को ऑस्टेकोडर, कौन से फिशेज को, बॉडी फिशेज को या टिलियोस्टियाई नाम दिया गया। अब इसमें कितने प्रकार की, जिसमें क्रिडोइड, डिनोइड और गोनोइड प्रकार के स्केल्स आते हैं। अब प्लेकोइड स्केल्स इन मछलियों में नहीं पाया जाता। मैराइन वाटर फिशेज का करेक्टर है कि उनके अंदर प्लेकोइड स्केल्स का पाया जाना, जबकि फ्रेश वाटर और ऑस्ट्रिचेस की मछलियों के अंतर्गत टिनोइड, गैनोइड एंड साइक्लोइड प्रकार के स्केल्स आए जाते हैं। इनमें आप देख सकते हैं आपके सी हॉर्स, जिसे समुद्री घोड़े के नाम से आप जानते हैं, हिप्पोकैम्पस, इस प्रकार की फिशेज से वो, साथ में आपकी इंडियन मेजर कार्प्स में आप देख सकते हैं रोहू, गैबियो, कतला, इस प्रकार के जितने भी फ्रेश वाटर फिशेज हैं ये सारी फिशेज आपको दिख सकती हैं इसके अंदर। और भी बहुत सारी है, जैसे एकाइनस है, सकर फिश जिसको आप बोलते हैं, उसके बाद वॉल्गुअट्टू है, क्लेरिस बट्टेकस है, चीतल चीतल है, नोटोप्टेरस है, ये सारी जितनी भी आप फिशेज देखते हैं ये सारी सारी फिशेज हमको ऑस्टिक। इसका बेसिक की पॉइंट है इसकी जो टेल है और उसमें होमो सर्कल प्रकार की फिश पाई जाती है। ठीक है, ये हर्बीवोरस भी हो सकती है और कार्निवोरस भी हो सकती है। ठीक है, हमने सब में पूरा बताने के बाद हमने डिप्लोइड को हाईलाइट किया है और डिप्लोइड को छोड़ रखा है, तो हम अब डिप्लोइड के बारे में चर्चा करते हैं। Thank you.
हिप्नोइड के लिए देखते हैं तो कुछ वैज्ञानिक इसे एक अलग वर्ग को स्थापित किया और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे ऑस्टिक तीज का ही एक ऑर्डर माना। डिप्नोइड जो कि ऑस्टिक तीज के उपवर्ग सार्कोप्टेरिजाइड का ऑर्डर माना है। ठीक है, सामान्यतः इसकी जो हम की पॉइंट या इसके जो पर्टिकुलर ग्रीक वर्ड है डी का मतलब टू और फॉन्स का मतलब होता है ब्रीथिंग, मतलब ऐसी फुफ्फुस मीन है जो कि पृथ्वी पर एम्फीबिया के लिए एम्फीबिया वर्ग के लिए सम्मिलित की गई। आप देखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली तीन प्रकार की हमारे पास डिप्नोइड फिशेस हैं जो कि आज के समय में लिविंग है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या हुआ तो इसमें गिल्स के अलावा एयर ब्रेडेड अधिक मात्रा में विकसित हो गए जिसके कारण इनको पानी की कमी ठीक है होने पर भी यह जीवित रहती है, इसलिए इसका नाम ही हमने रख दिया फुफ्फुस मीन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके तीन एग्जांपल जो हमारे पास सबसे अच्छे हैं वो है पहला हमारे पास है प्रोटोप्टेरस जो दिखने में किस प्रकार से दिखाई देता है, यहां सबसे एक बेसिक करेक्टर है। जब हमने जनरल करेक्टर में बात की थी कि जब टेल है वो तीन प्रकार की पाई जाती है प्रोटो सर्कल हेटेरो सर्कल और होमो सर्कल, तो यहां पर हम बेसिक की बात करते हैं तो हमारे जो लार्वल स्टेज है वहां पर प्रोटो सर्कल पाया जाता है पर ये डिप्नोइड का एक विशेष लक्षण है जहां पर प्रोटो सर्कल प्रकार की पूंछ का पाया जाना। ठीक है, साथ में लंग्स या एयर ब्रेडर्स का पाया जाना पेक्टोरल और थाइलिक फिन्स इस प्रकार से कंबाइन में पाए जाते हैं, इसका नाम है अफ्रीकन लंगफिश। सेकेंड बात कर रहे हैं हम जो कि हमारी साउथ अमेरिका की फिश है। ठीक है, या साउथ अमेरिकन लंग फिश के नाम से भी हम जिसको जानते हैं लेपिडोसायरेन। ठीक है, इसके छोटे छोटे स्केल होते हैं। साउथ अमेरिकन लंगफिश है हमारी जिसको लेपिडोसायरेन के नाम से जाना जाता है और हमारी जो अंतिम है ऑस्ट्रेलियन लंगफिश
लैटरल और पेल्विक फिन दोनों ही बराबर होते हैं और इस पर बड़े स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये तीनों डिप्लॉइड हैं और ये किसके पूर्वज माने गए? एम्फीबिया के पूर्वज माने गए हैं क्योंकि हम जब स्टेगोसिपेलिया एम्फीबिया का एक सब क्लासेस है उसके अंदर हम देखते हैं लेबेलेंथोडिया जिसका एग्जांपल है ईओस, वो इससे मिलता जुलता है। तो ये लेबेलेंथोडिया के पूर्वज है और इनमें उभयचर के थोड़े बहुत लक्षण आए हैं तो ये उभयचर के पैतृक माने गए हैं, ठीक है। इसलिए डिप्लॉइड को अलग वर्ग में भी सम्मिलित किया है और डिप्लॉइड को ऑर्डर में भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये आज हमने जो देखा आफ्टर वर्ग के अनुसार जो हमारा पूरा वर्गीकरण था, ठीक है, जिसको हमने कॉन्डक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बेसिक करेक्टर को भी जाना, ठीक है, और जितने भी प्रकार के ऑर्डर है उसको हमने सम्मिलित रूप रेखा में। आपको एक बात बता दी जाए, जितने भी विषय वस्तु की पुस्तक है सब में कहीं ना कहीं इसे अलग अलग तरीके से दिया गया है क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं सब ने अलग अलग साइंटिस्ट को फॉलो किया है। जैसे कुछ वर्ग को मानते हैं तो उन्होंने वर्ग के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया है, कुछ रोमर को मानते हैं तो यहाँ पर रोमर के हिसाब से भी है, कुछ पाकर हेजरेल को मानते हैं तो उनके हिसाब से भी, क्योंकि इथियोलॉजी में बहुत सारे वैज्ञानिक है और अलग अलग समय पर किसी ने इसे ऑर्डर माना है तो किसी ने इसे वर्ग में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अंतिम में हम देखेंगे हमारा कॉन्क्लूजन, जो हमारी सुपर क्लास स्पीसीज है उसमें ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल्स को रखा गया है जिसमें ट्यूब जो है वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं और इनकी जो हम विशेषताओं को लिए देखें तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पाया गया है और पानी में रहने वाले जीव जिसमें से कौन से स्पीसीज वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रकार की मछलियां हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण अपनी उपयोगिता को लिए बैठी है। जैसे कि मछली जो है भोजन के रूप में ही नहीं दुनिया के बहुत सारे ऐसे जो दैनिक क्रिया है उनके किसी न किसी रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको बता दिया जाए कि फिश में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है तो सी कोस्टल वाले जितने भी लोग हैं वो फिश को ज्यादा खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है फिश। साथ ही आपके फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल के रूप में गैमिंग जोन में इसका प्रयोग किया जाता है, मछली पकड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, इसके अलावा दवाइयों में जो मेडिकल है या औषधि के रूप में सबसे जैसे लीवर ऑयल है, विटामिन ए विटामिन बी सबसे ज्यादा में, ब्रेड के लिए है तो सालमोन सबसे अच्छा है, कॉड ऑयल के लिए है। तो हमारे दैनिक जीवन में ये कहीं ना कहीं उपयोगी है और इनके बारे में हमें जानना भी जरूरी है क्योंकि फ्रेश वाटर में कौन सी फिशेज मिलती है और मैराइन वाटर में कैसी मिलती है, इसके आकार कैसा है, इसका रंग कैसा है, आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे जानना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है रेफरेंस बात कर रहे हैं, हमने इसे कॉडेट टाफ बुक से लिया है और इनके जो राइटर है वो एस के शर्मा एमपी के गोयल है और एजुकेशन पब्लिकेशन से है। साथ ही मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिबेट जो कि इनके राइटर हैं आर एल कॉटपाल जो कि रस्तों की पब्लिकेशन से है और कॉडेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, जिसके राइटर है पारी भटनागर एंड रावत और इसका जो पब्लिकेशन है वो है अलका पब्लिकेशन, ठीक है। इन सभी बुक से मिलाकर इसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। धन्यवाद।